हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नीम खेड़ी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको सॉलिड के 6363 सेट टॉप बॉक्स की अनबॉक्सिंग कर दिखाने वाले हैं। यह डीडी फ्री डिश का एचडी सेट टॉप बॉक्स है। फ्रेंड्स, इसमें आपको डीडी फ्री डिश के कुछ चैनल्स एचडी भी देखने को मिल जाते हैं। चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह हमारा सॉलिड का 6363 सेट टॉप बॉक्स, आपको हम इसकी अनबॉक्सिंग कर दिखाने वाले हैं। चलिए अनबॉक्स करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स कर लें। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा सॉलिड का सेट टॉप बॉक्स है। इसको साइड में रखते हैं अभी। और ये हमारा रिमोट है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको HDMI केबल, के बाद बॉक्स में आपको पावर अडॉप्टर और बाकी बॉक्स में आपको कुछ नहीं है। हम दिखाते हैं फ्रेंड्स सभी चीज़ें आपको एक एक कर। सबसे पहले हम आपको बॉक्स दिखा देते हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये हमारा सॉलिड का 6363 सेट टॉप बॉक्स है। देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। बैक में आप देख सकते हैं एंटीना केबल, USB और HDMI केबल और AV पोर्ट, आपको पावर अडॉप्टर का ऑप्शन, और साइड में आप देख सकते हैं LED का ऑप्शन और IR का ऑप्शन भी मिल रहा है, और USB 2 भी मिल रही है फ्रेंड्स। आप देखिए, और फ्रंट में देखेंगे तो आपको बटन मिल जाते हैं और LED का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बॉक्स है। यह हमारा डीडी फ्री डिश का HD सेट टॉप बॉक्स है। इसमें आपको HD चैनल भी कुछ देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपको हम दिखा देते हैं यह हमारा सॉलिड का रिमोट है। इसकी रिमोट की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यह हमारा रिमोट, और रिमोट भी काफ़ी अच्छा है देखें। इसके बाद आपको पावर अडॉप्टर, 12 वोल्ट का पावर अडॉप्टर होता है फ्रेंड्स। आप देखिए सॉलिड का ही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारा पावर अडॉप्टर है। इसके बाद आपको HDMI केबल देखने को मिल जाती है। देखिए HDMI क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। देखिए केबल की क्वालिटी बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी केबल की क्वालिटी है और रिमोट की भी। और यह हमारा सेट टॉप बॉक्स। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये छोटी सी अनबॉक्सिंग थी हमारे चैनल की तरफ से। फ्रेंड्स, ऐसी वीडियोज हम आपके इस चैनल पर डालते रहते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है हमारी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी भी और वीडियोस देखने के लिए। चलिए दोस्तों, हम टीवी से कनेक्ट कर देते हैं सेट टॉप बॉक्स को। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने टीवी से कनेक्ट कर दिया है और सॉलिड का लोगो दिख रहा है। उसके बाद हम मेन्यू का बटन दबाकर आपको मेन्यू भी दिखाते हैं कि आपको इसमें कैसा मेन्यू देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं सभी MPG4 सेट टॉप बॉक्स में जैसा मेन्यू देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स, सभी सिस्टम आपको इसमें सेटिंग देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप जाएंगे सैटेलाइट में। सैटेलाइट में जाने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ऑटो स्कैन करना है। आप देख सकते हैं एंटीना सेटिंग में जाना है। एंटीना सेटिंग में जाके आपको G-SAT 15 को सेट कर लेना है। उसके बाद ऑटो स्कैन पर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको MPG4 सेट टॉप बॉक्स में कितने चैनल देखने को मिल जाते हैं ये भी हम दिखा देते हैं फ्रेंड्स। जैसे ही हमारा ऑटो स्कैन कम्प्लीट हो जाएगा आपको चैनल शो हो जाएंगे। आप देख सकते हैं चैनल शो हो गए हमारे। देखिए 170 से ऊपर चैनल आ चुके हैं और 196 चैनल आपको शो हो रहे हैं। उसके बाद भी आपको चैनल बढ़ते हुए शो होंगे फ्रेंड्स। MPG4 सेट टॉप बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा चैनल देखने को मिल जाते हैं। ये एक डीडी फ्री डिश का सेट टॉप बॉक्स है जिसमें आपको डीडी नॉर्मल सेट टॉप बॉक्स से MPG4 सेट टॉप बॉक्स में ज़्यादा चैनल देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 218 चैनल अभी शो हो रहे हैं और हम सेव कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।